आओ बहन सुरपंखा आओ। मही परमा मही विष्णु मही मास कहलायो। तीन लोग 14 पवन में रावण का रूप समाया और थवी पे चलता हूँ पर उड़े और आकाश के तारे खिल जाए, मुख दीवारे बोल जाए, जब मर्दों के बतस से खेल जाए, रंग उड़े गालियां भी जब चलता है दान और मान से, शहरों के छक्के छूट जाते हैं भीलू के नाम से। तो बहरूपिया ये खानदानी पैसा था जो हमारे बुजुर्ग थे, जो पहले हम बहरूपिये का काम करते थे, तो हमें एक विचित्र रूप बन करके वेशभूषा बन करके लोगों को मनोरंजन कराया करते थे। तो बहरूपिया अनेक अनेक राजा के पास में जाकर के, महाराजा के पास में जाकर के, बड़े बड़े जयपुर दरबार, बीकानेर दरबार, रूनी दादा कह के, बीकानेर दरबार, छापरा दरबार जाकर के बड़ा बड़ा राजा और महाराजा का मनोरंजन करते थे, जिनकी वंशावलियाँ बताते थे, जिसके बुजुर्गों के नाम बताते थे, जिसके बुजुर्गों के गाँव और नाम बताते थे, जिसके रूप दिखाते थे, का हनुमान जी बन गए, का रावण बन गए, का सीता जी बन गए, का कृष्ण जी बन गए, का लौहार बन गए। तो एक इंसान 50 रूप काटते थे और वे 50 ही बोली बोले करते थे, अनेक रूप भगवान का, अनेक ही रूप रूपये का। बड़ा बड़ा राजा था, बड़ा बड़ा महाराजा था, 12 गांव का राजा, 10 गांव का राजा, हम गांव के जाकर के इसको कला दिखाते थे, तो राजा महाराजा बड़ा प्रसन्न होकर के, ये 12 गांव पलाना बहरूपिया के, 10 गांव पलाना बहरूपिया के, 20 गांव पलाना बहरूपिया के, 20 गांव में बहरूपिया आप आपके गाँव में रहते थे। अब राजा महाराजा मरने के बावजूद ही अब सारा बहरूपिया कोई कहाँ जाओ और कोई कहाँ जाओ और कोई कहाँ जाओ, इसके बाद जुबानी का कोई सिस्टम नहीं दिया। अब कला दिखाओ और सबसे आप दसना लो, हम बहरूपे नाम इसी का है, कला का नाम ही बहरूपे है, और कहाँ भी जाओ और कहाँ भी आओ। शादाब सुल्तान का फोन लग नहीं रहा है, हाँ तो आप एक काम करना, आप मेरे घर जाकर अपनी मामी से कह देना कि मैं बखैरियत पहुंच गया हूँ, है ना? और सब राजी खुश है? हाँ, और दुआ में यार हाँ इतना कह देना।
अलग खोल दे पलक, दिखा दे झलक बाब, आनंद मंगल में हो दयालु। शिवरात्रि के दिन कैलाश से शिवजी पधारे, दर्शन नहीं हुए, भक्त जन नहीं आए तो भगवान को ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सिवा मृत्यु लोक की खबर लेके देवलोक कोई जाता नहीं, और यदि कोई चला जाता है तो जीवित आता नहीं। भोले तो भोले ही है, 15 दफे जाते हैं, 17 दफे वापस आते हैं। अलग बम बिहारी, ओम नमः शिवाय, रटते रहो, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। आनंद मंगल में है भक्तजन, दस फोटो खिंचवाओ, 10 फोटो खिंचवाओ, 20 फोटो खिंचवाओ, 5 दिन तक करेंगे, 5 दिन, एक और करेंगे, कल 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। हेलो हक नंदन, हमारे यहाँ गुजरात में सावन महीने में जन्माष्टमी होती है, तो उस वक्त गुजरात के गाँव में मेरे बाबूजी ये रात्रि की माइथोलॉजी रोल करते थे, शिव पार्वती हुआ, राधा कृष्ण हुआ, सरस्वती हुई, काली माँ हुई, गंगा माँ, दुर्गा माँ के रोल बनाते थे। तो जन्माष्टमी का पर्व था, तो गांव के लोगों ने कहा कि यार शौकत भाई कोई ऐसा रोल बनाओ कि आज का दिन जो है अच्छा लगे। मैं 6 महीने का था, तो जब कृष्ण जी को वासुदेव जी नंदलाल के यहाँ छोड़ने जाते हैं, वो सीन, टोकरे में आप वासुदेव जी बने, मुझे कृष्ण बनाया और टोकरे में रखा, और गांव के अंदर वो झांकी बाकायदा घूमी, पूरा गांव, बड़ा जश्न हुआ उस रोज़, और तब से अभी तक चेहरे पे मेकअप लग रहा है। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रबहु सुदश रथ अजी बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम 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 सिया राम सिया, नमो नारायण जपो ना, आनंद मंगल में हो दयालु, बाल गोपाल आपके कुशल मंगल में है, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और कोई बात हो तो हमें बता देना, क्योंकि अब कि आप खुश हैं तो नारद जी तो परम आनंद में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती कि आपने नारद को देख के खुशी जाहिर कर दी, क्या बात है, क्या हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं, नमो नारायण जपो नारायण भजो नारायण। अच्छे हो, आए नहीं तुम, नहीं आए मैं आ गया, आना पड़ता है, आना पड़ता है, तेरा मेरा यहाँ का रिश्ता है रे, दिल का रिश्ता है, तू हिंदू तू मुसलमान, तू सिख तू ईसाई, लड़ते हैं खून बहाते हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम होते हैं, बच्चियां विधवा होती हैं, माए रोती हैं, क्यों, किस लिए, किस लिए, किस लिए, साई की बात पाल लो, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। महमूद कहते हैं मुझे, मेरा काम है बहुरूपीय का, जो मेरे हिसाब से 7 पीढ़ियों से चलता रहा है।
मेरे पापा करते थे जब मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी असम में दार्जिलिंग नेपाल बॉर्डर गोरखपुर दरभंगा सहरसा सुपौल हाजीपुर समस्तीपुर गोंडा बस्ती हैं जी, तो वो वहाँ जाया करते थे। तो वो 5-10 साल तक वहाँ रहते थे। उनको भी एक वही थी कि यार मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बने। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद में अचानक मेरे वाले साहब घर पे आए। घर आते ही वो बीमार हो गए। मेरी माँ जो है भैंस बकरी या कैसे भी करके जो काम नहीं करने का था मेरी माँ ने वो भी किया। ऊंचा कर इसको। 5-6 बहन भाई थे, छोटे छोटे थे, पिता पिताजी बीमार, तो परेशानी तो थी लेकिन मुझे कमाना भी था। मैंने उसी दिन से ये तय कर लिया कि हम आंखें मीच लेते हैं और जितना हो सके उतना हम इसी काम में करते हैं। घबराओ नहीं गांव वाला, आज तक सामान लूटे नहीं आया है ठाकुर। आज सिर्फ ठाकुर जब्बर सिंह सलामी देने आया है। क्या रे हरिया, तूने ही गवाही दी ना, तू ही है ना पुलिस का खबरी। कौन है तुम में से वो पुलिस का खबरी? माँ भवानी कसम, वो दिन भूल गए जिस दिन कुंवारी लड़कियां उठाई जाती थी शादी के मंडपों में से, लोगों के घर उजाड़े जाते थे। कौन से रहम की बात कर रहे हो? नहीं, अरे मैं तो माँ की, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। जरा धीरे बोलना। करीमा का सजा बंदा नवाजा मालिक ने कुछ चलाता है जन ला तो बाहर के गुनाह कमा कौल अल्लाह फी शान हबीबी इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह आज अगरबत्ती तो किसी ने लगाई नहीं। क्या बात, आज गोश्त मैं नूडल बनाया, रोटी जॉब नहीं यार। नुन्नू बेटी किसकी? दो बहन भाई तो गए हुए हैं। ये पानदान आपने जो मेरे लिए बनाया, पैसे भी नहीं है। नहीं, पैसे हैं। हाँ जी, मेकअप और ऑर्नामेंट्स कुछ दूसरी नहीं है।
इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो। वो हो गया, ये रखा मुंह साफ करने का कपड़ा। यस, ये मेरे जिन की ड्रेस भी किसी ने पूरी बंडल में से खोल के पटक। आप लोगों की तरक्की करवाऊंगा मैं, तांगे में जुतवाऊंगा, बढ़िया वाली अच्छी वाली। तो चिट्ठी लिख के और राशन वाले से राशन मंगवा लेना, और आठवें दिन मेरे अकाउंट में मैं पैसे डाल दूँगा, तो वो आप निकलवा के आप अपने खर्चे में जिस तरीके से शादाब सुल्तान के जो स्कूल वगैरह में आईटीआई में चाहिए वो, ठीक है हाँ? और ये लाइट बिल और गैस बिल बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चलो निकलूँ मैं, है ना, चल अल्लाह हाफिज़। आज भी अगर हमको देख के कोई खुश होता है, पैसा अपनी जगह पे है, पैसा अपनी जगह पे है, कि ये हमको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है ये दूसरी बात है, बाकी पहली बात जो आती है कि जो हम कर रहे हैं तो हमसे लोग कितने खुश होते हैं, ये चीज़ जो मेन है। तो इसमें हम पूरे सक्सेस होते हैं। जुबिस्ताना, आए मेरी मलिका महापौरा आ रहा है जिन्हें गुलफाम। जुबिस्ताना, क्या हुक्म है मेरे आका, कहे तो आपको मेरी हथेली में बैठ जाओ, उमरा करा के इंशाल्लाह रहमान यही उतार दूंगा, सफा मरवा भी हथेली में ही घुमा दूंगा, शैतान को कंकरी भी बैठे बैठे ही मार लेना। ज़बिस्ताना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बढ़िया। कौन से गांव से हैं? मुठेपुर। मुठेपुर, क्या बात है मुठेपुर की, जहां आप जैसे शहंशाह रहते हैं। शॉपिंग के लिए आए थे। शॉपिंग के लिए? कैसे हैं आप? बढ़िया। पीछे से बात मत करो, आगे आओ। जिन्हें हमारा काम रिजाला है, सामने वाले को अच्छा लगे, यार एक्टिंग अच्छी की उसने, जिन अच्छा बना, जोकर अच्छा बना, बंजारा अच्छा बना, क्योंकि पैसा बाद में लेना है पैसा। अब मान लो कि बहुत पुराना एक रोल बना दिया मैंने, आज शेरा डाकू बनूंगा तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जब्बर सिंह विनोद खन्ना का रोल बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। या बीच में हम बनते थे वो कौन बनेगा करोड़पति, और फ्रेंच कट दाढ़ी लगाई, अमिताभ बच्चन का चश्मा लगाया और हर दुकान पे जाके हेलो मैं अमिताभ बच्चन, केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति को लेके आपके शहर में पहली बार चंद सवाल आपके सामने आने का मतलब रीजन एक ही है कि हॉट सीट पे तमाम बंदे नहीं पहुंच पाते थे, हर आदमी के दिल में सवाल था कि अगर मैं पहुंच जाता
तो मैं एक मिनट में जवाब दे देता। जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसको केबीसी की ओर से 1 करोड़ तुरंत पुरस्कार दिया जाएगा। सही सवाल का सही जवाब, गलत जवाब परपति। नमस्कार। मान लीजिए कि आप ड्रगिस्ट नहीं होते, केमिस्ट नहीं होते, और फर्ज कीजिए कि आप देश के सिपाही होते जी। तो जान देने में आप हिचकिचाते या मुस्कुराते हुए जान देते मातृभूमि पर? मुस्कुराते हुए जान देते। सही जवाब, आप करोड़पति हैं, मुस्कुरा दीजिए इसी बात पे। प्लीज कहीं मत जाइएगा, हम यहीं मिलेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, आदाब। एक सवाल का एक जवाब, 1 करोड़। सही सवाल का सही जवाब, आप करोड़पति। बताइए, शर्माइएगा नहीं, और गलती की माफी चाहता हूँ। आपकी पत्नी आपको किस चीज से पीटती है? झूठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गलत जवाब। क्योंकि भारतीय नारी कभी किसी अपने पति को जूते नहीं मारती है। आपने गलत जवाब दिया है। आपको केबीसी की तरफ से 1 लाख रुपया कैश पुरस्कार दिया जाएगा। अब हमने चेक की सिस्टम सारी बंद कर दी है। इकबाल साहब, आपका शुभ नाम बोलिए। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आइए। आपका भी वलवला मिटा देता हूँ। आपका शुभ नाम? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार, क्या बात है, ताली बजा दीजिए एक बार सत्येंद्र के नाम से। काय वजह से? आपकी शादी हो गई? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से शादी नहीं हुई। आप बीच में ज्यादा बोलते हैं। कोई बात नहीं, शादी कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे फोन कीजिए, मैं फिर आपका सवाल करने के लिए आ जाऊंगा। तो 100 कितने हो गए? 100 11 बहुत अच्छे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार से लेनी पड़ती हैं, जैसे कई कपड़े ऐसे होते हैं विदेशी जो हमको रेडियो पे ठेलियों पे मिल जाते हैं, हमारी नज़र पड़ती है यार ये हमारे काम में आने वाली चीज़ है, तो हम उसे सस्ते दामों पे, जैसे मान लो 100 का, 200 का, 500 का ले लेते हैं। अब वैसे अगर इसको शोरूम में लेने जाएंगे
तो 1000-2000 रुपये मांगेगा तो बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हम मतलब धीरे 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 ही अपना इकट्ठा कर लेते हैं, तो करना पड़ता है, बस ऐसे ही करते रहते हैं। जैसे अब ये मुकुट है, ये हमें नहीं मिल पाता, हम बना लेते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाती, तो ये भी हमें लाना ही पड़ता है। अभी काफ़ी दिन हो गया, दीपावली करीब है, इस टाइम में लोगों की फसल कट रही, लेकिन लोगों को अभी देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि खेत खलिहान में बाजरा कट रहा है, वो कट रहा है ना। लेकिन अब से 5-7 दिन बाद में लोग फ्री हो जाएंगे गांव में, तो मैं इसको संवार के अब पैक करके कल में परसों में मैं अगले गांव में प्रोग्राम दिखाने के लिए जाऊंगा। तो मैं था गांव में 5-7-10 दिन अपना जो भी है एक बहु रुपये को शांग कर बचावा था, रोल कर बचावा था, तो उसके लिए आपके लिए वो अनुमति लेने के लिए आए हैं। तो मुझे सरपंच साहब आपके लेटर पैड पे लिख करके दे दो, अपने पंचायत घर में जैसे या ऐसे कोई जगह है तो बता दो, नहीं तो मैं अपने स्तर पे देख लूंगा। नहीं नहीं करवा देंगे, धर्मशाला में कर लो या सराय में कर लो। अब छुट्टी पड़ी ना तब, नहीं तो अकेले जाता है कभी कभी। अब बच्चों को छुट्टी पड़ेगी तभी जाते हैं, 1-1.5 महीना बस, फिर नहीं जाते। जैसे वहाँ जाते हैं, जैसे गांव में घूमते हैं, जगह बाड़ी पूछते हैं, कोई गांव में जगह नहीं मिलती है, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, जगह वगह नहीं मिलती है तो बहुत मजबूरी उठानी पड़ती है हमें। जैसे बच्चे घर पर छोड़ जाते हैं तो टेंशन सी रहती है, भाई घर पे बच्चे बच्चे फटते नहीं हैं, टेंशन उधर की भी रहती है इधर की भी रहती है हमें। किसी जगह में लेटरिन बाथरूम नहीं मिलता है, किसी जगह में कुछ नहीं, कुछ ऐसी परेशानी तो हो जाती है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो कभी गए हुए नहीं है, कोई खाट ये माचा खाट उठ नहीं मिलती है, नीचे भी सोना पड़ता है, लीपना भी पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। एक गाँव में 15 दिन भी लग जाते हैं, 1 महीना भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं, जैसा गाँव है जैसा ही। भाई हिंदुओं के ज्यादा गांव करते हैं ना हम, तो ये हिंदुओं का ही तो रूप दिखाते हैं, शंकर भगवान बनते हैं, हनुमान जी बनते हैं, तो ये हिंदुओं का ही जैसे बनते हैं ना, तो ऐसे लोग कहते हैं जो तू है तो मुसलमान और तू हिंदू का रूप दिखाता है, तो हमारा गुजारा करने से झूठ बोलना पड़ता है। फिर हमारे ऐसे बोलना पड़ता है भाई हम हमारे समाज के हैं, और जैसे मुसलमान को हम दिखाते हैं तो मुसलमान हमको दान नहीं देता, वो ऐसे कहता है कि भाई तुम ये हम मानते ही नहीं इनको। यूपी बिहार हर देश में जाते हैं ना, जब वहाँ नाम बदल देते हैं, हमारे सब नाम हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं नहीं। जैसे मेरा नाम तो है यहाँ फरजाना और वहाँ पूजा पूजा कहते हैं, और मेरे घर वाले का नाम है इरफान और यहाँ संदीप, वहाँ संदीप बताते हैं उसको। मेरे घर वाले का नाम यहाँ तो बोलते हैं चांद और वहाँ बोलते हैं चंदर। माता उधर उधर रख दे, वहाँ वहाँ रखा आगे साइड में। बीवी को नहीं लेके जाते हैं तो हमें मकान नहीं मिलता, फैमिली को मकान मिलता है, और चाहे हम कितने भी ईमानदार लेकिन हम खुद